हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम यहाँ पर रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर को पढ़ रहे थे और कैलेंडर के मैंने ऑलरेडी 4 भाग चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और आज कैलेंडर का ये 5वां भाग है जिसमें हमारा कैलेंडर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ यहाँ पर कैलेंडर की प्रैक्टिस क्वेश्चन बचेंगे, तो कल के वीडियो में मैं यहाँ पर कैलेंडर की जो है पूरे के पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस कराऊंगा जिसमें कि आपके अच्छे और हाई लेवल के भी प्रश्न शामिल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जिसमें कि हम सबसे पहले देखेंगे से और के पर आधारित प्रश्न। तो आप जब भी कैलेंडर पढ़ते हैं और आपने कोई प्रैक्टिस सेट भी दिया होगा या कोई एग्जाम दिया होगा, तो आपने से और के पर आधारित प्रश्नों को ज़रूर देखा होगा। तो इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए, इस तरीके के प्रश्नों में एक आधार दिवस होता है, यानी बेस डे होता है, और ये बेस डे जो होता है इसी के साथ आपका से और के लगा हुआ होता है। इस से और के आधार पर, यानी इस बेस डे के आधार पर दो कंडीशन बनती है, जिसमें कि आपकी पहली कंडीशन हो जाएगी यदि बेस डे के साथ आपका से लगा हुआ है तो आपको बेस डे को भी काउंट करना पड़ेगा, यानी उसको भी गिनना पड़ेगा। और यदि आपके बेस डे के साथ के का प्रयोग हुआ है तो आपको ऐसी स्थिति में आधार दिवस को नहीं गिनना है। तो आइए मैं आपको एक उदाहरण के ज़रिए यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि उदाहरण नंबर 1 यहाँ पर लिखा गया है, आज गुरुवार है, आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो से लगा हुआ है इसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तो जब भी आपको इस तरीके के प्रश्न मिले तो आपको इसमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि बेस डे कौन सा है, यानी आधार दिवस कौन सा है। तो आधार दिवस वो होगा जिसके साथ से लगा हुआ होगा या फिर के लगा हुआ होगा। तो जैसे कि यहाँ पर ये रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है से, ये किसके बाद आया हुआ है, तो ये देखिए आज इसके बाद आया हुआ है। तो यहाँ पर आपका बेस डे क्या हो जाएगा, तो बेस डे हो जाएगा यहाँ पर आज। तो आज से, इसका मतलब आज को भी यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया आज, तो आज आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए, एक तो आज का दिन हो जाएगा क्योंकि से लगा हुआ है, आज का दिन गिनना पड़ेगा। तो पहला दिन तो ये हो गया, दूसरा दिन हो जाएगा, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन। तो देखिए, आज से 5 दिन बाद, तो पहले आज से 5 दिन गिन लेते हैं। एक दिन तो ये हो गया, दूसरा दिन ये हो गया, तीसरा दिन ये हो गया, चौथा दिन हो गया और 5वां दिन ये हो गया। तो 5वें दिन के बाद का दिन पूछा है, देखिए आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला दिन हमसे पूछा है 5 से अगला दिन कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं आज कौन सा दिन दिया हुआ है प्रश्न में, आज दिया हुआ है गुरुवार। तो जब आज गुरुवार दिया हुआ है तो आज से अगला दिन क्या होगा, शुक्रवार, फिर आपका शनिवार, फिर आपका रविवार, फिर आपका सोमवार और ये आपका हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, मंगलवार। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, मंगलवार। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिस दिन के भी बाद से या के लगा हुआ है वही आपका बेस डे होता है। अगर बेस डे के साथ से लगा हुआ है तो उसको भी काउंट कर लेते हैं, और अगर बेस डे के साथ के लगा हुआ है तो उसको काउंट नहीं करते हैं। आइए अगला प्रश्न और देखते हैं, उससे आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है, इसमें यहाँ पर लिखा है, यदि बीते हुए परसों से 3 दिन पहले गुरुवार था तो आने वाले कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यदि बीते हुए परसों से 3 दिन पहले, तो सबसे पहले हम बनाएंगे आज। ठीक है, ये हो गया आज, तो बीता हुआ परसों कब कब होगा, आज से पहला दिन कल हो गया और इससे पहला दिन हो गया परसों, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर परसों। ठीक है, परसों ये वाला हो गया परसों का दिन। यदि बीते हुए परसों से 3 दिन पहले, तो परसों से 3 दिन पहले, जो देखिए परसों के बाद से लगा हुआ है तो इसको भी गिनेंगे। पहला दिन तो परसों वाला हो गया, दूसरा दिन और यहाँ पर तीसरा दिन, इससे 3 दिन पहले का दिन, यानी ये वाला दिन आपका क्या है, गुरुवार। ये आपका हो गया गुरुवार। ठीक है, तो क्या कहा है प्रश्न में, यदि बीते हुए परसों से 3 दिन पहले, परसों से 1 2 3 दिन पहले का दिन गुरुवार है, तो देखिए जब 3 दिन पहले का दिन गुरुवार होगा तो ये वाला दिन आपका हो जाएगा शुक्रवार, ये वाला दिन हो जाएगा शनिवार और ये वाला दिन हो जाएगा रविवार और ये हो जाएगा आपका सोमवार, और आज का दिन आपका क्या बैठ जाएगा, मंगलवार। ठीक है, ये आपका बैठ गया मंगलवार आज का दिन। अब देखिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं और आगे पूछते हैं क्या पूछा है,
गुरुवार था, तो आने वाले कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आने वाला कल ये हो गया, कल से 4 दिन बाद, 1, 2, 3, 4। तो देखिए, जब आने वाले कल से 4 दिन बाद, तो आने वाला कल ये हो गया, अब कल से 4 दिन बाद, देखिए यहाँ पर भी से लगा हुआ है, तो कल को भी यहाँ पर काउंट करेंगे जब 4 की गिनती होगी। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 4 दिन बाद, यानी कि 4 दिन के बाद उसका अगला दिन यहाँ पर पूछा है। तो देखिए, जब आज मंगलवार है तो कल होगा बुधवार, फिर आपका हो जाएगा बृहस्पतिवार, फिर आपका होगा शुक्रवार, फिर आपका शनिवार, और फिर आपका हो जाएगा रविवार। ठीक है, रविवार। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? रविवार। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। आइए एक और उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पर लिखा है, यदि बीता हुआ परसों सोमवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि बीता हुआ परसों सोमवार था, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आज, आज, ठीक है, बीता हुआ परसों, आज से पहले का दिन होगा बीता हुआ कल, और फिर उससे पहले का दिन होगा परसों। तो बीता हुआ परसों ये वाला हो गया, ठीक है। यदि बीता हुआ परसों सोमवार था, तो ये वाला जो दिन आपको दिया गया है, ये सोमवार का दिया गया है, सोमवार, ठीक है। यदि बीता हुआ परसों सोमवार था, तो आने वाले कल के, तो आज, आज से आने वाला कल ये हो गया, आने वाले कल के। तो देखिए अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कल के बाद क्या लगा है, के, से नहीं लगा इस बार, कल के 3 दिन बाद। तो कल के 3 दिन बाद इस बार हम ये कल काउंट नहीं करेंगे, इससे अलग 3 गिनेंगे। तो देखिए, 1, 2, 3, 3 दिन के बाद का दिन, यानी कि ये वाला दिन। देखिए आने वाले कल, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आने वाले कल, तो आज से आने वाला कल कौन सा होगा, ये होगा। और कल के 3 दिन बाद, अगर से लगा हुआ होता तो हम इसको भी करते, और 3 दिन कैसे गिनते, 1, 1, 2, 3 ऐसे गिन लेते। लेकिन इस बार यहाँ पर क्या लगा हुआ है, से नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर के लगा हुआ है, ठीक है। तो के लगा हुआ है, तो इस बेस्ट डे को हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, तो इससे 3 दिन अलग गिनेंगे यहाँ पर। तो देखिए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन बाद, यानी कि 3 दिन बाद का दिन पूछा है, ये वाला दिन पूछा है, ठीक है। तो देखिए, जब बीते हुए परसों सोमवार था, तो बीता हुआ कल क्या होगा, मंगलवार, और आज हो जाएगा बुधवार, फिर उससे अगला दिन हो जाएगा बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा सोमवार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये के वाला कंसेप्ट भी आप समझ गए होंगे। चलिए एक दो उदाहरण और यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पर लिखा है, आज से 4 दिन विद्यालय बंद है, 5वां दिन सोमवार है, तो आज कौन सा दिन होगा? तो देखिए, आज से 4 दिन विद्यालय बंद है, यानी कि आज का दिन भी काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज से, यहाँ पर से लगा हुआ है आज के बाद, ठीक है। तो आज से 4 दिन गिनेंगे। तो देखिए, पहला दिन तो आज हो, एक हो गया, दूसरा दिन, और तीसरा दिन, और चौथा दिन। तो आज से 4 दिन विद्यालय बंद है, तो 4 दिन तक तो विद्यालय बंद है, और 5वां दिन, यानी कि ये 5वां दिन हो गया, 5वां दिन क्या है आपका, सोमवार, ठीक है, सोमवार, ये 5वां दिन आपका सोमवार का दिया गया है, ठीक है। तो आज कौन सा दिन होगा? तो देखिए, जब 5वां दिन सोमवार है, सोमवार से पहले क्या आया होगा, रविवार, रविवार से पहले आपका क्या आया होगा, शनिवार, शनिवार से पहले आपका शुक्रवार, और शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार। तो यानी आपका आज का दिन क्या हो जाएगा, आपका आज का दिन हो जाएगा बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए एक और उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। इसी माह में 3 दिन बाद 4 तिथि को शनिवार आता है, तो उसी माह की 27 तिथि को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, ये जो यहाँ पर लिखा है, किसी माह में 3 दिन बाद 4 तिथि को शनिवार है, तो देखिए ये तो शुरू का जो यहाँ पर दिखा गया, इससे तो हमको प्रश्न में कुछ मतलब ही नहीं है। ये देखिए इतना, ये देखिए 4 तक का छोड़ दीजिए, यहाँ तक का हमें प्रश्न से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा इसी से यहाँ पर हल हो जाएगा। तो देखिए, जब 4 तिथि को शनिवार आता है, यानी कि किसी महीने की 4 तारीख को इसने शनिवार बोला है, 4 तारीख को शनिवार है, तो उसी माह की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न हो जाएगा। देखिए, जब भी हमें यहाँ पर इस तरीके के सवाल दे जाए, तो हमको क्या करना है, 4 में यहाँ पर 7 जोड़ देना है। देखिए, 4 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो यानी कि जब 4 तारीख को शनिवार है, तो 11 तारीख को भी शनिवार होगा, और फिर 11 में 7 जोड़ेंगे,
11 में 7 जोड़कर आपके हो जाएंगे 18, ठीक है। 18 तारीख को भी हमारा शनिवार होगा, और फिर 18 तारीख में हम 7 जोड़ देंगे, फिर आपका हो जाएगा 25, ठीक है। 25 तारीख को भी हमारा शनिवार होगा, जब 25 को शनिवार होगा तो 26 को क्या होगा आपका, रविवार, और 27 को आपका क्या हो जाएगा, सोमवार, ठीक है। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, सोमवार, ठीक है, सोमवार। बस आपको इस तरीके के प्रश्न इसी तरीके से हल करने हैं, यानी जब भी आपको किसी एक तिथि को दिन दे दिया जाए तो उसमें साथ साथ ऐड कर देना है, क्योंकि हर 7वें दिन आपका जो सप्ताह होता है वो रिपीट होता रहता है। तो उस तिथि में आपको चार चार जोड़ते जाना है, जब तक जोड़ते जाना है जब तक वो तिथि ना आ जाए या फिर उसके आसपास की तिथि ना आ जाए। जब उसके आसपास की तिथि आ जाएगी तो उसमें से आप आराम से उस डेट को निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले कंसेप्ट की ओर। तो अगली टाइप है यहाँ पर वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए, किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन बिल्कुल समान होता है। जैसे कि यदि किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है तो उसी वर्ष के 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। यानी यहाँ पर ये कहना चाहता है कि अगर कोई आपका दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, तो साधारण वर्ष में जो वर्ष का पहला दिन होता है वही उसी वर्ष का अंतिम दिन भी होता है। जैसे कि यहाँ पर 1 जनवरी को सोमवार दिया गया है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह यहाँ पर अगर आपका दिया गया वर्ष लीप वर्ष होता है तो उस लीप वर्ष में जो वर्ष का पहला दिन होगा उसी वर्ष के अंतिम दिन में एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर फरवरी जो होती है लीप वर्ष में 29 दिन की होती है, तो वो एक दिन जो है एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। इसीलिए वर्ष लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान नहीं होता, बल्कि पहले दिन में ही एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है। अधिवर्ष को छोड़कर यदि किसी वर्ष का पहला दिन शुक्रवार था तो उसी वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा। देखिए यहाँ पर इसने पहले ही बोल दिया है कि लीप वर्ष को छोड़कर, यानी अधिवर्ष को छोड़कर, तो इसका मतलब अधिवर्ष को छोड़ेंगे तो वर्ष कौन सा होगा आपका, साधारण वर्ष। और जब साधारण वर्ष का पहला दिन यहाँ पर क्या दिया गया है, शुक्रवार दिया गया है, तो उसी वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा, तो उसी वर्ष का आखिरी दिन भी यहाँ पर शुक्रवार ही हो जाएगा। अभी अभी हमने ये बात पढ़ी है कि अगर आपका साधारण वर्ष दिया गया है तो वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन बिल्कुल समान होता है, ठीक है। अगला उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। 10 फरवरी 1817 को मंगलवार था, 10 फरवरी 1817 को मंगलवार था, तो 9 फरवरी 1818 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी आप कैलेंडर के इस तरीके के प्रश्नों को हल करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका जो कैलेंडर वर्ष है वो 1 जनवरी से ही स्टार्ट हो। जी नहीं, आपका किसी भी तारीख से स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 10 फरवरी से ये वर्ष यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, 10 फरवरी से। तो ये 10 फरवरी से जब हम इसको काउंट करेंगे तो आने वाला पूरा एक साल किस तारीख को होगा, तो इसके एक कम यानी कि 10 फरवरी 1817 को ये वर्ष शुरू हुआ तो 9 फरवरी 1818 को ये वर्ष कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात है। तो ये ठीक इसी तरीके का प्रश्न बन गया जैसे कि हमने यदि ऊपर लिखा है उदाहरण नंबर 1। जब 10 फरवरी 1817 को मंगलवार था, यानी कि किसी वर्ष का ये पहला दिन मान लीजिए मंगलवार हो गया है, ठीक है, तो 9 फरवरी 1818 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए सबसे पहले तो देखेंगे कि ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। 1817 क्या है, साधारण वर्ष है, ठीक है। जब ये साधारण वर्ष है तो किसी वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन बिल्कुल समान होता है। तो देखिए जब 10 फरवरी से ये वर्ष स्टार्ट हुआ है तो 9 फरवरी 1818 को ये वर्ष कंप्लीट होगा। तो यानी कि वर्ष का पहला दिन आपका ये हो गया 10 फरवरी और अंतिम दिन हो जाएगा 9 फरवरी 1818। तो जैसे कि ये आपने देख लिया कि ये साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन बिल्कुल समान होता है, इसलिए 9 फरवरी 1818 को भी यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा, ठीक है, मंगलवार। बस इस प्रश्न में आपको यही ध्यान रखना है कि वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है साधारण वर्ष में, और ये जो साधारण वर्ष का सिस्टम है ये पहला दिन और अंतिम दिन समान होने का, ये ऐसा नहीं है कि आपका 1 ही जनवरी से स्टार्ट हो, आप इसको कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने उदाहरण नंबर 2 में आपको समझा दिया है, ठीक है। आइए एक और उदाहरण यहाँ पर देखते हैं जिससे कि ये बिल्कुल ही क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 3।
6 मार्च 1915 को सोमवार था, तो 5 मार्च 1916 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए, जो वर्ष की शुरुआत कर दी हमने यहाँ पर 6 मार्च 1915 से, ठीक है, तो ये वर्ष कब खत्म होगा? 5 मार्च 1916, यानी कि अगले साल 5 मार्च 1916 तो 16 को ये वर्ष जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो जब 6 मार्च 1915 को सोमवार का दिन दिया गया है, तो 5 मार्च 1916 को भी सोमवार का दिन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सोमवार का दिन नहीं होगा, क्योंकि ये दिया गया वर्ष जो है लीप वर्ष हो जाएगा। ये देखिए, अगला वर्ष जो है लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें बीच में फरवरी भी आ गई होगी। देखिए, यहाँ पर मार्च है ना, मार्च से पहले क्या आई होगी? फरवरी। और फरवरी लीप वर्ष में कितने दिन की होती है? 29 दिन की, यानी एक दिन एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है लीप वर्ष में। तो जब 6 मार्च 1915 को सोमवार का दिन दिया गया है, तो 5 मार्च 1916 को कौन सा दिन होगा? इसमें एक दिन ऐड हो जाएगा। मंगलवार में एक दिन ऐड कर दो, मतलब सोमवार में एक दिन ऐड कर दो, तो आपका हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब मंगलवार, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, तो इस बीच में आपका कोई लीप वर्ष तो नहीं पड़ता। अगर लीप वर्ष पड़ता है, तो आपको देखना ये भी होगा कि बीच में कोई फरवरी का महीना तो नहीं आया। अगर फरवरी का महीना पूरा आ गया है, तो एक दिन यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। आइए एक और उदाहरण से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदि 15 अगस्त 1946 को बृहस्पतिवार था, तो 16 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? अब देखें, यहाँ पर वर्ष की शुरुआत कब से हुई है? 15 अगस्त से। और ख़त्म कब होगा ये पूरा वर्ष? 14 अगस्त 1947 को ये ख़त्म होना चाहिए। तो देखिए, जब ये 14 अगस्त 1947 को ख़त्म होगा, तो इसका मतलब 14 अगस्त 1947 का दिन भी आपका क्या होगा? बृहस्पतिवार, ठीक है। क्योंकि 15 अगस्त से ये वर्ष शुरू हुआ है और 14 अगस्त 1947 पर ख़त्म होगा, और साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन बिल्कुल समान होता है, तो इसलिए 14 अगस्त, 14 अगस्त, 14 अगस्त 1947, तो 14 अगस्त 1947 का दिन भी क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 14 अगस्त का तो नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है आपका 16 अगस्त का, ठीक है। 16 अगस्त का पूछा है। जब 14 अगस्त को यहाँ पर क्या है? बृहस्पतिवार। फिर उसके बाद आपका 15 अगस्त को क्या हो जाएगा? शुक्रवार। और 16 अगस्त को आपका हो जाएगा शनिवार, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो 16 अगस्त 1947 को आपका दिन हो जाएगा शनिवार। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस आपको इसमें दो ही कंसेप्ट ध्यान रखने हैं। अगर साधारण वर्ष दिया गया है, तो वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन बिल्कुल समान होता है। और अगर आपका दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, तो उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन समान नहीं होता, बल्कि एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। इसी तरीके से आपको अगर प्रश्नों को थोड़ा हाई लेवल का बनाना होगा, तो इससे 2 दिन एक्स्ट्रा पूछ सकता है या 2 दिन कम भी पूछ सकता है। तो आपको उसको कम या ज़्यादा करके अपने हिसाब से आंसर को दे देना है। आइए चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की ओर। तो अगली टाइप है यहाँ पर शताब्दी के प्रथम दिन व अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न। तो इस तरीके से भी आपसे कैलेंडर में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है, इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग में फिट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, शताब्दी के प्रथम दिन हमेशा कौन से होंगे? यानी ये जो दिन दिए गए हैं, ये हमेशा ही आपके शताब्दी के प्रथम दिन होंगे। कौन कौन से? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ये 4ों दिन जो होंगे किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हमेशा रहेंगे, ठीक है। और यदि आपसे शताब्दी के अंतिम दिन पूछे, तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार, ठीक है, ये आपकी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं हमेशा, ठीक है। तो अब इनको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, दोनों में कॉमन तो हो जाएगा सोमवार, यानी किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन सोमवार हो सकता है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि इनमें से कौन सा ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन या फिर अंतिम दिन दोनों हो सकता है, तो आपको सोमवार वहां पर टिक कर देना है। तो अब देखें, यहाँ पर इनको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, सोमवार तो दोनों में कॉमन है, तो आपको प्रथम दिन पूछे शताब्दी का या अंतिम दिन पूछे, तो उसमें सोमवार तो आपका कॉमन हो जाएगा। अब देखिए, सोमवार और मंगलवार, पहले हमको क्या करना है? प्रथम दिन में सोमवार और मंगलवार तो लगातार है, सोमवार से अगला दिन मंगलवार, फिर एक दिन छोड़ देंगे यहाँ पर, एक मंगल के बाद क्या आता है? बुधवार। बुधवार को छोड़कर अगला दिन क्या आएगा? गुरुवार। गुरुवार से अगला दिन क्या होता है? शुक्रवार। उसको छोड़कर आ गया शनिवार। तो बस आपका एक एक दिन का गैप हो जाता है। बस आपको सोमवार और मंगलवार ये 2 लगातार याद रखने हैं, और उसके बाद एक एक दिन को छोड़ के शनिवार तक जाना है, ठीक। आपका शताब्दी के अंतिम दिन में भी ऐसे ही करना है। सोमवार का दिन तो कॉमन है, इसको याद रखना है। सोमवार से अगला दिन क्या होगा आपका? मंगलवार। उसको छोड़ देना है। उसके बाद आपका बुधवार आ जाएगा। बुधवार से अगला दिन आपका क्या होगा? गुरुवार। उसको छोड़ देना है। गुरुवार
गुरुवार से अगले दिन क्या है आपका शुक्रवार, उसको ले लेना है, और शुक्रवार से अगले दिन आपका क्या है शनिवार, उसको छोड़ देना है, और आपका रविवार। तो इनको आपको बड़े ध्यान से याद रखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न बन जाता है, बहुत ही आसान है, फ्री का नंबर दे के जाता है। चलिए इस पर आधारित भी हम यहाँ पर एक दो प्रश्नों को लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है? तो यहाँ पर प्रथम दिन कौन सा शताब्दी का हो सकता है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सोमवार तो कॉमन होता है, प्रथम भी होता है और अंतिम भी होता है। सोमवार से अगला होता है मंगलवार प्रथम दिन में। तो देखिए यहाँ पर मंगलवार ऑप्शन में दिया गया है, तो किसी शताब्दी का प्रथम दिन आपका क्या होगा? मंगलवार। मंगल से आपका बुधवार नहीं होगा, बृहस्पतिवार होगा। बृहस्पति से आपका शुक्रवार नहीं होगा, शनिवार होगा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर दो यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन दोनों हो सकता है? तो देखिए दोनों कौन सा हो सकता है शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन? मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सोमवार होता है, ये तो आपका दोनों में कॉमन होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट भी आपके समझ में आया होगा, और यहाँ पर आपका जो कैलेंडर का चैप्टर है वो पूरी तरीके से मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। मैंने कोई भी टाइप यहाँ पर नहीं छोड़ी है। अब बारी आती है इसकी प्रैक्टिस की। तो कल के वीडियो में मैं कैलेंडर के यहाँ पर कंप्लीट प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, जिसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है रिवाइज हो जाएगा, और जीरो टू हीरो लेवल यहाँ पर रखने वाले हैं, यानी कि बिल्कुल बेसिक से लेकर और बिल्कुल हाई लेवल तक के प्रश्नों को यहाँ पर मैं शामिल करूँगा। तो कल की क्लास आप बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।